Namaskar. First things first, we are here to celebrate a film, but we are in a city that's mourning, and I would like to take this opportunity to talk about Shri Kundan Shah. As a boy growing up in Delhi and Chennai, I grew up on Kundan Shah sir's work, and to be here in a city where he's left us is quite profound. So I'd like to take this opportunity on behalf of my entire team of The House Next Door to pay our respects and condolences to the family and those that Kundan Shah sir leaves behind. And I don't think cinema or theatre or the television that we grew up on will ever be the same again without him. So rest in peace, sir. Starting with The House Next Door. This is a horror film, as Ajit has told me. But in my opinion, after many years, in India, as he said in his words, it's a true blue horror film. ये एक बहुत डरावना फिल्म है और अगर आपको डरना अच्छा लगता है तो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको डरना अच्छा नहीं लगता है तो इस फिल्म के बाद आपको डरना अच्छा लगने लगेगा सो इट्स ओके इट्स नेवर टू लेट टू लर्न मिलिंद राव एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स एंड कोलैबोरेटर्स फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स नाउ क्योंकि हम दोनों ने मणिरत्नम सर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम एक ही दिन शुरू किया था तो इन सालों में हमारी दोस्ती जितनी बड़ी है हमने उतनी ही फिल्मों के बारे में बात की है और ख़ास करके हॉरर जॉनर हम दोनों का बहुत ही एक फेवरेट जॉनर रहा है तो जब भी हम लोग एक फिल्म देखते हैं थिएटर में और एक इंग्लिश फिल्म क्योंकि हम लोग हॉरर जब भी बोलते हैं तो इंग्लिश फिल्म्स के बड़े फ़ैन्स रहते हैं लेकिन मैं और मिलिंद कोरियन और जापानीज़ हॉरर के भी बहुत फ़ैन रहे हैं सो जब भी हम लोग थिएटर में जाके एक नई इंटरनेशनल हॉरर फिल्म देखते थे तो बाहर आते वक्त हम तो बहुत जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स हमेशा ज़्यादा बोलते हैं तो हम लोग बहुत बात करने वाले लोग थे लेकिन जो हमारे पास जो लोग खड़े हैं जो जिन्होंने अभी फिल्म देखी है वो क्या बोल रहे हैं वो सुनने में मुझे बहुत दिलचस्पी थी तो मैं हमेशा सुनता था यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म थी यार डर के मतलब मज़ा आ गया तो वहाँ मुझे समझ में आया कि लोगों को डरना अच्छा लगता है और फिर ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टाइम वो अगला लाइन ये बोलते थे कि साला हमारे यहाँ ऐसे क्यों नहीं बनाते यार तो फिर हम लोग वापस आके सोचना शुरू करते थे कि हम लोग ऐसी फिल्म क्यों नहीं बना रहे फिर जब हम लोग ऐसे डिस्कशंस रखते थे तो कोई और आके बोलता था नहीं यार इंडिया में बहुत डराओगे ना तो लोग देखेंगे नहीं तो ऐसे बहुत ही मतलब विदाउट रिसर्च काफ़ी चीज़ें बहुत अज्यूम की जाती हैं हमारे देश में तो वो एक बिलीफ तोड़ना था मुझे और मिलिंद को कि लोगों को एक डरना अच्छा लगता है और लोग अच्छी फिल्मों के हमेशा फ़ैन रहते हैं तो दिस इज़ आर एफर्ट टू मेक इंडियाज़ फर्स्ट ट्रू ब्लू हॉरर फिल्म इन अ लॉन्ग टाइम इसके पहले अच्छी फिल्में बनी हैं इंडिया में मैं ये नहीं कहता कि कभी अच्छी हॉरर फिल्म नहीं बनी है इनफैक्ट लास्ट वीक हम लोग बात कर रहे थे कि मैं और मिलिंद रामगोपाल वर्मा के बहुत बड़े फ़ैन्स हैं तो जब भी इंडियन हॉरर की बात चलती है तो हमेशा दो टाइटल्स हमेशा उनका जिक्र किया जाता है एक है रात और एक है भूत और ये दोनों बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं और आज भी जब हमें उनको देखते हैं तो दे हैव एज्ड वेरी वेल एंड दे वर मेड बाय एन ऑनेस्ट फिल्म मेकर हु ऑल्सो लव्स हॉरर वेरी मच सो हमने ये डिसाइड किया था कि जब जो भी हम बनाएंगे बहुत ऑनेस्टी के साथ बनाएंगे क्योंकि हमें हॉरर फिल्म देखना जितना अच्छा लगता है उतना ही हम लोग इसके मेकिंग में लगाएंगे फिर शुरू हुआ कि व्हाट डू वी मेक एज अ फिल्म सो हम लोग वी आर वेरी बिग फैंस ऑफ रिसर्च सो वी वर रिसर्चिंग ट्रू स्टोरीज क्योंकि हॉरर जॉनर में जैसे आप स्ट्रेट अवे एक फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हो तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट दैन आई वॉन्टेड पीपल टू कम इन टू द थिएटर एंड ए they should believe what's happening on screen and b it should not be something they've seen before taki jab wo log ghar jate hai na agar unko dar lagta agar raat ko toilet ka light on karke sone ki aadat laga dete hain tab bhi unko ye nahi lagta agar koi aa jaye na to main hanuman chalisa pad dunga ya fir geeta ke do part pad dungi aur wo chala jayega nahi to yahan se sindoor se kuch ho jayega nahi to kuch om cream brim bol dunga kuch na kuch plan wo kuch bhi chalna nahi chahiye to aapko jo bhi गोस्ट फाइटिंग टेक्निक्स आती हैं इस फिल्म के बाद जब आपको डर लगेगा तो वो टेक्निक्स आपके बिल्कुल काम नहीं आएंगी ये मेरा गारंटी है तो मिलिंद और मैं जब ये फिल्म बना रहे थे तो वी वांटेड टू क्रिएट एन ओरिजिनल इंडियन हॉरर सो उस तलाश में हमें बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले हैं वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स एंड अजीत अंधारे एंड हिज एंटायर टीम हैव बीन विद अस राइट फ्रॉम द डे दैट वी गेव देम आवर स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी जो कि Milind and I were researching and we found, in fact, we found it closer than we expected. It is somebody
who was known to both of us, and the story that started from something that happened in their family. So wo kahani jab hum log research kar rahe the and we were seeing how to bring this to the screen, we realized we have to shoot the film the way a lot of it happened to the people who it happened to. So is hisab se we were able to zero in on where we wanted to shoot this film. So ye entire film is set against the mountains. So ye Himachal mein shoot kahi gayi thi film. So we shot the film on location because we wanted the snow and the mountain backdrop, because that adds to the fear, and the winter and the cold is always more scary. So we went and shot the film in real life locations. And when we were making the film, we wanted to make sure that we had the best actors on board in this film. And I'm very, very blessed to have the cast that I have. Starting with my co-star, my heroine, Andrea Jeremiah. This is her first Hindi film. She's a very, very popular actress and musician in the South. And I'm very happy that she's coming to Hindi cinema with this. And my dear friend and collaborator, Atul Kulkarni. We are doing a film together after 12 years. और बहुत अच्छी बात ये है कि 12 साल पहले हमने रंग दे बसंती बनाई थी, तो ये लगता है कुंभ मेला टाइप हो रहा है. 12 साल बाद फिर से दोनों एक फिल्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ी फिल्म बनेगी. एंड अतुल हैज बीन देयर फ्रॉम द टाइम वी फिनिश द स्क्रिप्ट. एंड जब हम लोग ने स्क्रिप्ट खत्म की थी, सो वी सेड दिस हैज़ टू बी अतुल कुलकर्णी. एंड देन आई डिडंट गिव हिम अ चॉइस, क्योंकि एक रंग दे बसंती जैसी फिल्म जो आपने देखी है, कि जो आपने स्क्रीन में देखा था उतनी यारी, उतनी दोस्ती, उतना प्यार, उतना मोहब्बत, उतनी मोहब्बत ऑफ स्क्रीन भी थी उस फिल्म में, और 12 साल बाद भी बरकरार है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अतुल वाज एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. और इस फिल्म में हम लोग एक बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका नाम है अनीशा विक्टर. शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म. और जब आप ये ट्रेलर देखेंगे, देर आर मेनी थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड. ए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ये फिल्म आपको डराने के लिए ही बनाई गई है. और दूसरा, ये फिल्म आप ज़रूर थिएटर में जाके देखिए, क्योंकि व्हेन यू सी द ट्रेलर आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू डेफिनेटली ब्लो योर माइंड. एंड माय टेक्निकल क्रू इज़ व्हाई दिस फिल्म इज़ द वे इट इज़. माय प्रोडक्शन कंपनी इज़ कॉल्ड एटाकी एंटरटेनमेंट, एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग टेक्नीशियंस एंड यंग आर्टिस्ट्स. एंड इन दिस फिल्म ऑल्सो वी हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म फॉर वेरी यंग टेक्नीशियंस. माई डी ओ पी श्रेयस कृष्णा, हु विल बी अ वेरी नोन नेम आफ्टर यू सी दीज विजुअल्स, एंड माई म्यूजिक डायरेक्टर गिरीश, दे हैव गिवन देयर लाइफ एंड सोल. एंड Milind and I have spent close to 4.5 years on this film, because good films take a long time to make and they only get one window to succeed, and that window is November 3rd. So I have great confidence in this film. Aur ye meri chauthi Hindi film hai, Rang De Basanti, Striker, Chashme Badur aur aaj House Next Door. In char filmon mein agar aap genre similarity bata sake to main aapko 10,000 rupees de dun, kyunki main apni filmein aise hi choose karta hu. Main wahi filmein karta hu jo mujhe dekhne mein maza aata hai और जो मुझे दिखाने में, और आई फील प्राउड एंड आई एम गोइंग टू हैव फन एंटरटेनिंग पीपल. आई एम वेरी प्राउड टू बी हियर विद माय ब्यूटीफुल टीम, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेकिंग ऑल ऑफ यू ऑन अ जर्नी ऑफ हॉरर. एंड आईड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड, माय कोलैबोरेटर, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एंड आई अश्योर यू द नेक्स्ट बिग थिंग, मिलिंद राव. थैंक यू.